Hello guys, welcome back to my channel. So today I am share with you my makeup collection, 2019 makeup collection. तो friend पता काफी time पहले जब मैं YouTube देखा करती थी ना तो काफी सारे YouTuber अपना makeup collection share किया करते थे. आखिर वो दिन मेरा भी आ ही गया कि आज मैं आपके साथ अपना makeup collection share करूँगी. काफी सारे लोगों को ये collection बहुत कम लगेगा और काफी सारे लोगों को ये collection ज़्यादा भी लग सकता है. तो friend इतना सारा makeup product मैं पहले नहीं use किया करती, just मैं भी YouTube देखा करती थी. तो काफी सारे यूट्यूबर चीजों के बारे में बताते थे, प्रोडक्ट के बारे में बताते थे, तो मैं भी वो सारी चीजें बाय करती थी. जब बाय करती थी तो मेरे दिमाग में आया कि जब मैं बाय करती हूँ तो क्यों ना मैं अपना एक रिव्यू चैनल क्रिएट करूँ. तो हाँ फ्रेंड, मेरे चैनल पे अक्सर आपको रिव्यू वीडियो ही मिलेगी. कभी कभार मैं मेकअप वीडियो आपके साथ शेयर कर देती हूँ, वो अलग बात है. बट जैसे कि आज आपको पता है, आज है 30 दिसंबर, मतलब एक दिन बाकी है नया साल आने में और एक दिन बाकी है पुराना साल जाने में. मतलब 2020 का हम वेलकम करेंगे और 2019 को हम अलविदा करेंगे, बाय बाय करेंगे. तो आज मैं आपके साथ अपना 2019 का मेकअप कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ. तो ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी, आपको मैं अपना मेकअप कलेक्शन दिखा देती हूँ. और अभी मैं अपने सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे हूँ, देख सकते हो आप, कोई नहीं रहता है यहाँ पे, पूरा खाली है. और दिल्ली में ठंड इतनी पड़ रही है ना, और आज सबसे ज़्यादा ठंड है. 30 दिसंबर को दिल्ली में सबसे ज़्यादा ठंड है इस बार की सर्दी में. देखना चाहोगे कि कैसा हो रहा है मौसम, एक मिनट दिखाती हूँ आपको. सो फ्रेंड देख सकते हो 30 दिसंबर की सर्दी, और टाइम हो रहा है अभी बज रहे हैं 1:30 बज रहे हैं, और 1:30 बजे के करीब, जबकि सूरज की किरणें इतनी तेज होनी चाहिए, बट एक भी सूरज की किरण नहीं है और चारों तरफ सिर्फ कोहरा कोहरा हो रहा है. वीडियो में इतना नहीं समझ में आ रहा, बट अगर आप रियल में देखोगे ना फेस टू फेस तो आपको काफी ज्यादा कोहरा लगेगा. और आज ना यार कसम से सबसे ज्यादा सर्दी है 2019 की, मुझे बहुत ज्यादा लग रही है. काफी लोगों को पसंद भी आ रही होगी, मुझे भी पसंद आ रही है, पर उतनी नहीं क्योंकि इतनी सर्दी मुझे नहीं पसंद है. और पता है हमारे यहाँ ना इतनी सर्दी क्यों होती है, क्योंकि यमुना रिवर हमारे घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे. आप यकीन नहीं मानोगे, अगर हम 5 मिनट पैदल चले ना तो रिवर पे पहुंच जाएंगे. बहुत ही ज्यादा करीब है, सुना होगा आपने सोनिया विहार, बहुत ज्यादा करीब है यमुना रिवर के. और 15 मिनट की दूरी पे है दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज, जो मैं अपने सबसे ऊपर वाली फ्लोर पे, मतलब बहुत ऊपर है फ्लोर, उस पे चढ़ूं तो वहां से भी नजर आएगा. तो देख सकते हो आप, मौसम दिल्ली का कुछ इस तरीके का है, और ये मेरा सबसे ऊपर वाला फ्लोर है. अगर मैं उस पे व्हाइट वाली जो टंकी है वहां पे चढ़ती हूं तो सिग्नेचर ब्रिज हमको आसानी से नजर आ जाएगा. तो देख सकते हो ये है मौसम दिल्ली का, काफ़ी ज़्यादा ठंड है. तो ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं, बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ. मैं दिखा देती हूँ आपको अपना 2019 का मेकअप कलेक्शन, ठीक है. सो फ्रेंड बैड कमेंट मत करना, ठीक है. तो चलते हैं नीचे और मैं दिखाती हूँ आपको अपना 2019 का मेकअप कलेक्शन, ठीक है. तो बढ़ते हैं नीचे की साइड. क्या कर रहा है भाई? सो फ्रेंड्स ये है मेरा मेकअप कलेक्शन. तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरे कलेक्शन में क्या क्या है. मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने ये सारे प्रोडक्ट किस तरीके से अरेंज किए थे. अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो. तो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि इन सभी बॉक्सेस में क्या क्या है और मेरे पास क्या क्या प्रोडक्ट है. सो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं इस साइड से. तो आप इस साइड देख सकते हो, यहाँ पे मेरी 6 नेल पॉलिश है जिसमें से 5 नेल पॉलिश NYN Bae की है, और ये ग्रीन कलर की मैंने ये वाली लगाई है, और ये लगाई थी मैंने 24 दिसंबर को, और अभी तक वैसी है, जस्ट थोड़ी थोड़ी सी छूटी है. काफी अच्छी नेल पॉलिश है. अगर आप बाय करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. और यहाँ पे साइड में 2 गुड वाइब्स के छोटे छोटे सी बॉटल, नहीं कह सकते पैकेट टाइप में है, ये मुझे गिफ्ट में मिली थी. क्योंकि मैं इलाइट मेंबरशिप में हूँ तो मैं कुछ भी ऑर्डर करती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता है, तो ये दोनों मुझे गिफ्ट में मिली थी. ये है एलोवेरा जेल, और ये है चाकोल का डीप क्लिंजिंग फेस वॉश, जो काफी 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 ज्यादा अच्छा है. और वहां पे इस कॉर्नर में रखा है मैंने एक फेविक कॉल. और बढ़ते हैं इस वाले बॉक्स की तरफ. तो मैं आपको जल्दी से उठा के दिखा देती हूँ कि इस वाले बॉक्स में क्या है. इसे निकाल लेते हैं बाहर. तो फ्रेंड देख सकते हो मैंने निकाल लिया इस वाले बॉक्स को बाहर. तो यहाँ पे है ये मेरा पैराशूट का ऑयल, हेयर ऑयल, इसका रिव्यू मैंने दे दिया है. उतना अच्छा नहीं है, बट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ले सकते हो. और यहाँ पे है मेरा गुड वाइब्स का बनाना का शैम्पू, ठीक ठाक है.
और ये है मेरे सारे हेयर बैंड, क्योंकि मुझे ज़्यादा डिज़ाइन वाले हेयर बैंड नहीं पसंद है, तो मैंने ये एक ही तरीके के सारे हेयर बैंड ले रखे हैं। और यहाँ पे है मेरा, ये मेरे भाई सऊदी अरब से आए थे, तो वो वहाँ से ये परफ्यूम लेकर आए थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा। और आप देख सकते हो ये ख़त्म है एक पल को। और उसके बाद ये पैड है, और इसके बाद ये नेल पेंट रिमूवर है यहाँ पे, और ये साइड में एक मिनट से निकाल लेती हूँ। और ये है गुड वाइब्स का सैफ्रन वाली मॉइस्चराइजर, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद तो फ्रेंड्स ये है गुड वाइब्स का कोकोनट वाला मॉइस्चराइजर क्रीम, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बहुत जल्द मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये दोनों क्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इस बॉक्स में मेरा ये था, इसे अपनी जगह रख देते हैं। और फ्रेंड अब बढ़ते हैं इन तीनों बॉक्स की तरफ, तो इससे भी मैं जल्दी से नीचे उतार लेती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि इन तीनों में मेरा क्या क्या है। फ्रेंड्स इन तीनों बॉक्स में मैंने अलग अलग तरीके के मेकअप रख रखे हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इस वाले बॉक्स से। तो यहाँ पे मेरा है 8 ब्लश एंड हाइलाइटर पाउडर इन पैलेट, तो ये मेरा स्विच ब्यूटी का है, देख सकते हो ये मेरा स्विच ब्यूटी का हाइलाइटर एंड ब्लश पैलेट है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मेरे पास एक ही है। और सेकेंड ये है ये SQ का कॉम्पैक्ट पाउडर है, ठीक है ये भी अच्छा है, ख़त्म हो गया है मेरा थोड़ा सा है। और उसके बाद इसमें है मेरा पर्पल का कॉम्पैक्ट पाउडर, SPF के साथ मिलता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये शेड नंबर 2 था, सॉरी शेड नंबर 2 हनी सेल्फ केयर 2 था। और उसके बाद यहीं पे रख देती हूँ। उसके बाद ये NG मतलब न्यू गर्ल का कॉम्पैक्ट पाउडर है ग्रीन टी वाला, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट ये शिमर है, इसके अंदर छोटे छोटे शिमर के पार्टिकल है। और उसके बाद यहाँ पे मेरी बीबी की, सॉरी पॉन्स की बीबी क्रीम है। और ये है मेरा NYBA का प्राइमर, काफ़ी अच्छा है ये प्राइमर भी और काफ़ी अफोर्डेबल है। उसके बाद ये डार्लिंग इसाबेला का कंसीलर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसका कवरेज भी हमें बहुत अच्छा मिलता है। और ये है मेरा ओलिविया का पेन स्टिक, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और आप कहोगे सारे मेकअप अच्छे ही हैं, फ्रेंड जो मुझे अच्छा लगता है वो ही मैं रखती हूँ। और इसके बाद ये मेरा NYBA का फाउंडेशन करेक्टर है, सॉरी फाउंडेशन स्टिक है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और ये भी मेरा NYBA का कलर करेक्टर है। और ये है SQ का फाउंडेशन, इसका कवरेज उतना खास नहीं है, ओके है। और ये है मेरा छोटू सा मिरर, जो मैं अपनी वीडियो बनाते समय यूज़ करती हूँ। और ये ईवा का परफ्यूम है, जो मेरे सगाई वाले बॉक्स में आया था। और ये पोन्स का पाउडर, और ये है NYBA का मेकअप फिक्सर। फ्रेंड ये काफ़ी ज़्यादा आँखों में लगता है, मुझे इतना नहीं पसंद है। और ये है ये गुड वाइब्स का विटामिन सी एंड विटामिन B3 का फेस ग्लो सीरम है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं इसी को यूज़ करती हूँ। और बढ़ते हैं अपने सेकंड बॉक्स की तरफ। तो सेकंड वाले बॉक्स में मेरे सिर्फ और सिर्फ आई मेकअप का सामान है और कुछ भी नहीं है। तो इसे वॉश करना है इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। ये हुडा ब्यूटी का ब्यूटी ब्लेंडर है, ओरिजिनल नहीं है, कॉपी है। और तो इसमें सिर्फ मेरा आई मेकअप है, तो मैं दिखा देती हूँ क्या क्या है। सो फ्रेंड्स ये है मेरा NYBA का ग्रीन कलर का लाइनर, NYBA का ब्लू कलर का लाइनर, ब्लू हेवन का ब्लैक कलर का लाइनर, SQ का गोल्डन लाइनर जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये भी ब्लू हेवन का ब्लू कलर का स्पार्कल वाला लाइनर है, उतना नहीं पसंद मुझे। और ये भी मुझे किस में मिला था, ये ADS का काजल है, अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है। और उसके बाद है ब्लू हेवन का काजल, ये भी ठीक ठाक है, इसे पहले काफ़ी टाइम पहले यूज़ किया था, अभी यूज़ नहीं किया। और ये NYBA का लाइनर है, ये मेरे को ना बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, ये मुझे किसी पार्टी या फंक्शन वगैरह में जाना होता है तभी यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि इसमें ना क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी मिलती है, सिर्फ इतनी सी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद इसके अंदर मेरी छोटी छोटी सी बिंदी हैं,
ब्लैक कलर की। और बढ़ते हैं आगे, ये टेप है जो आई शेडो वगैरह जब लगाती हूँ तो यूज़ कर लेती हूँ। और ये साइड में सारे काजल हैं, तो ये है NYN Bae का काजल, काफ़ी अच्छा है। ये भी NYN Bae का ही काजल है। एक ग्रीन है और एक ग्रीन कलर का है मेरे पास, और एक सिल्वर कलर का है। ये आईब्रो पेंसिल है ब्लैक कलर की, ये NYN Bae का ब्लैक कलर का काजल है। ये भी NYN Bae का काजल है, और ये आईब्रो पेंसिल है, NYN Bae की ही आईब्रो पेंसिल है ये भी। और उसके बाद मेरे पास दो ब्लू हेवन के लाइनर, एक येरा और एक येरा, ये न्यू है और ये ओल्ड है। उसके बाद यहाँ पे पर्पल का मस्कारा है जिसका रिव्यू मैं बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। एक शॉर्पनर है जो मैंने लोकल मार्केट से लिया था 10 रुपीज़ का, और यहाँ पे ब्लू हेवन का मस्कारा है जो काफ़ी अच्छा है, अफोर्डेबल भी है। और यहाँ पे हैगा अरोमा मैजिक के अंडर आई क्रीम, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, उसका रिव्यू भी मैं बहुत जल्दी दूंगी आपको। तो फ्रेंड यही था मेरे आई मेकअप में। और ये एक शिमर है, इसका नाम पहली बार सुना है, VOV करके कुछ है, ग्लिटर शिमर है ये, इसका यूज़ नहीं किया, ये ऐसे ही पड़ा है। ओ साइड में ये दो पफ हैं, इसमें से एक का यूज़ कर लिया है और एक का भी नहीं किया। तो फ्रेंड इसमें था सिर्फ और सिर्फ मेरे आई मेकअप। मेरे पास 5-6 तरीके के लाइनर हैं, 3-4 तरीके के काजल और 2 तरीके मस्कारा। ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि मैंने इतना मेकअप नहीं करती हूँ, तो उसके हिसाब से काफ़ी हैं। और इस थर्ड वाले बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ लिपस्टिक है, ये छोटे से गणेश भगवान जो मेरे गिर कर टूट गए हैं। सब कहते हैं टूटी मूर्ति नहीं रखते, बट ये मेरे पास है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे फॉक का परफ्यूम है, और ये जॉय की स्क्रीन फूड क्रीम है, और ये एक लिपस्टिक है जो मैंने लोकल मार्केट से ली थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका पिगमेंटेशन है, ख़त्म हो गई है बट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद ये रेड कलर की लिपस्टिक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बुलेट टाइप में है। और एक और रेड कलर है बट ये थोड़ा ऑरेंज टाइप का रेड कलर है, एक मिनट दिखा देती हूँ, कुछ इस टाइप का है। के बाद यहाँ पे भी एक लिपस्टिक रखी हुई है, मैंने ये लिपस्टिक कभी इतनी यूज़ नहीं की है, बट इसका कलर भी सेम इसी की तरह, जो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये एक कफ है, ये कफ मुझे बर्थडे पे दिया था मेरी फ्रेंड ने, ये है मेरी मम्मा, तो एक मिनट, तो देख सकते हो प्रिया सिंह, हैप्पी बर्थडे प्रिया सिंह। और ये मेरी फ़ोटो है, काफ़ी पुरानी फ़ोटो है। तो इस कफ को मैंने यूज़ किया है अपने लिपस्टिक वगैरह रखने के लिए। तो देख लीजिए इसमें किस किस प्रकार के लिपस्टिक हैं। तो फ्रेंड इसमें ज़्यादा नहीं, इसमें NYN Bae का ही कलेक्शन ज़्यादा है, जैसे कि देख सकती हूँ ये NYN की लिपस्टिक है। ये मुझे 6 लिपस्टिक मिली थी 160 या 130 के करीब, इसकी भी मैंने रिव्यू बना रखा है, आप देखना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये हुडा ब्यूटी की रेड कलर की लिपस्टिक है, ये मेरी फ्रेंड सरोजनी नगर से लाई थी, तो इतना अच्छा नहीं है यार, ये ओरिजिनल नहीं है, कॉपी टाइप में ही है। और उसके बाद यहाँ पे NYN Bae की बुलेट लिपस्टिक है जो अच्छी लगती है, बुलेट ही कहते हैं ना, सही याद नहीं, इस जो काफ़ी अच्छे पिंक कलर का, इसका कलर काफ़ी अच्छा है। और ये दो मेरे पास NYN Bae की मैट लिपस्टिक है, इनका कलर भी काफ़ी अच्छा है। और इसके बगल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 हैं NYN Bae के लिप क्रियोन, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है गाइज। अगर आप लिपस्टिक नहीं लगाते हो, लिप क्रियोन लगाना चाहते हो, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा पिगमेंटेशन मिलता है। और ये जो 12 पेंसिल हैं, ये देख सकते हो, ये लिप, देखिए ये लिखा हुआ ना आई एंड लिप। तो फ्रेंड सच में यार, मैं इसे लाइनर में भी यूज़ कर लेती हूँ और लिपस्टिक में भी यूज़ कर लेती हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। और ये मैंने बाई की थी क्लब फैक्ट्री से शायद, तो इसका भी अगर आपने रिव्यू नहीं देखा है तो लिंक मैं दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे सिर्फ ये एक लिप क्रियोन नहीं, लिप लाइनर है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये भी रेड कलर का है, मेरे पास रेड कलर की ना कलेक्शन कुछ ज़्यादा ही है। तो अब ये मेरा लिप बाम है,
ये मेरा जॉय का लिप बाम है जो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और ये ही मामी का क्रीम है। ये मेरी छोटी सी वैशलिन कहाँ गई, ये मेरी छोटी सी वैशलिन जो खत्म हो गई है। ये गुड वाइब्स का लिप बाम है, ठीक ठाक है, उतना खास नहीं लगा मुझे। और उसके बाद ये दो लिप बाम जो मैंने लोकल मार्केट से खरीदे थे, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे छोटा सा परफ्यूम है, ये 10 या 20 रुपए की बॉटल आती है सीक्रेट करके, काफ़ी अच्छी इसकी फ्रेगनेंस है। सो फ्रेंड्स, इन तीनों बॉक्स में कुछ इस तरीके के ही मैंने प्रोडक्ट रखे हुए हैं। इसमें जस्ट मेकअप का प्रोडक्ट है, बेस वगैरह, फाउंडेशन स्टिक वगैरह, और इसमें मेरा आई मेकअप है, और इसमें मेरी लिपस्टिक वगैरह है। तो इसे मैं जल्दी से सेट कर लेती हूँ क्योंकि मैंने सारा सामान बाहर रख दिया है। सो ये लास्ट लिपस्टिक जो मैं दिखाना भूल गई थी, ये आई इंस्टाग्राम की रेड कलर की लिपस्टिक है, जिसका मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और अफोर्डेबल भी है। सो फ्रेंड, कुछ इस तरीके से मैंने ये मेकअप रखा था अपना, तो इसे भी रख देते हैं और बढ़ते हैं आगे अपने बॉक्सेस में कि मैंने क्या क्या और कैसे कैसे रखा है। इन तीनों को रख देते हैं, सब बढ़ते हैं इस साइड। तो ये है मेरा सिर्फ हेयर क्लिप वगैरह, इसके अंदर है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हेयर क्लिप और रबड़ वगैरह क्लिप बस यही है। और इन दोनों बॉक्स की तरफ बढ़ते हैं तो देख लेते हैं इन दोनों बॉक्सेस में क्या है। सो फ्रेंड, इसमें मेरा हेयर केयर का ही आइटम है, जैसे कि ये मेरा अर्थ ममा का मास्क है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और साइड में लिवॉन का हेयर सीरम है, और ये एल्प गुडनेस का शावर जेल है, ये एल्प गुडनेस का कोकोनट ऑयल है, और ये है रेड ऑनियन ऑयल खादी का जो मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये है गुड वाइब्स का बनाना कंडीशनर, और ये मैं रोज़ यूज़ करती हूँ तो यहीं पे रख दिया है। ये बायोटिक की नाइट क्रीम है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद है ये पैंटीन का, एक मिनट, पैंटीन ऑयल रिप्लेसमेंट, और ये है इसी का छोटा वाला। और इसके साइड में यहाँ कॉर्नर में देख सकते हो, ये पैराशूट का हेयर ऑयल है, और यहाँ पे मेरा कैस्टर ऑयल है, और ये है वाओ का शैम्पू, ऑनियन शैम्पू जो मैं यूज़ कर रही हूँ। और इस वाले बॉक्सेस में है VLCC का रोज़ वाटर टोनर, एंड ये है VLCC का क्लिंजिंग मिल्क, और ये मेरा एक फेस वॉश है जो ख़त्म होने वाला है, बट इसे अभी रिसेंट में नहीं ट्राई कर रही हूँ। और ये मेरा एल्प गुडनेस का मुल्तानी मिट्टी है जो मैं एक DIY यूज़ कर रही हूँ, उसमें अक्सर यूज़ करती हूँ। जीवा का फेस वॉश जो बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा। और ये एवंस की गोलियाँ जो ख़त्म हो गई थी, कल ही लेकर आई हूँ मैं। और ये है मेरा गुड वाइब्स का एसेंशियल ऑयल रोजमेरी का, और साइड में क्या है, ये क्या है, गुड वाइब्स का एलोवेरा एंड नीम का एक्ने कंट्रोल हाइड्रेटिंग जेल। और इसके साइड में है, यार निकल जाओ, और ये है मेरा गुड वाइब्स का बनाना स्क्रब, काफ़ी अच्छा है ये भी। और ये है एक रोज़ वाटर, ये मेरा पतंजलि का एलोवेरा जेल है, और ये है एल्प गुडनेस का कोकुम्बर टोनर, गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर, गुड वाइब्स का चाकोल मास्क, और ये है एवरयूथ का नेचुरल पील ऑफ मास्क, और ये है गुड वाइब्स की सनस्क्रीन विद 30 SPF, और ये नवरत्न का कूल पाउडर। तो फ्रेंड, इसमें मेरा कुछ इस तरीके का ही सामान था, ज़्यादा नहीं है। इसमें स्किन केयर है और इसमें हेयर केयर है। तो बढ़ते हैं अपने दूसरी बॉक्स की तरफ जो है ये वाला। फ्रेंड, इस ये है मेरा छोटू सा पर्स, देख सकते हो कुछ इस तरीके का। और बढ़ते हैं इस वाले बॉक्स के अंदर। सो फ्रेंड, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, एक मिनट में खोल देती हूँ। इसके अंदर सिर्फ ये ही रखा है, ये खाली है, कुछ नहीं है इसके अंदर।
ये भी खाली है, कुछ नहीं है यहाँ पे। एक ये क्या कहते हैं इसे, जूड़ा बन टाइप में, डोनट कहते हैं, हाँ डोनट है ये एक। और ये मोस्ट पार्ट जो मैं हमेशा कैरी करती हूँ, एम्पावर का सेल्फ डिफेंस स्प्रे। अगर इसकी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये एक क्यूर कैरपिन का हेयर ऑयल है, और यहाँ पे एक शिमर आई शेडो है, और ये हेयर क्लिप है, और ये गार्नियर का फेस वॉश है, मेहंदी लिपस्टिक, एक साड़ी पिन छोटी सी, और ये इसमें क्या है, हाँ इसमें मेरी एक रिंग, और एक मिनट दिखाती हूँ, एक रिंग और मेरे गोल्ड के कान के गले का, एक मिनट फोकस। सो ये है इसमें, जब से मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की है ना तो मैं अपने गोल्ड के कान के निकाल ही दिए हैं, और ये तीनों मेरे लिए काफ़ी 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 ज़्यादा बहुत अच्छे हैं यार, और मेरे लिए लकी भी है, इसलिए इन तीनों को मैं एक साथ रखती हूँ। तो फ्रेंड ये था इसमें, और कुछ नहीं है इसमें खास। और ये वाला एक पॉली बैग है, एक मिनट, इस पॉली बैग में क्या है, ये एक आई शेडो है जो टूट गया है और शिमर में है, और ये SFR की एक आई शेडो पैलेट है जो ब्रेक हो चुकी है, और ये ब्लू हेवन की है, ये इतनी खास नहीं है बट मैं यूज़ कर लेती हूँ कभी कभार, ओ वाओ। और एक ये कांच की छोटी सी बॉटल है जो अक्सर मैं DIY में यूज़ करती हूँ, और ये जो दिख रही है ना आपको, ये NYN Bae के लिप क्रियोन है जो टूट गई थी तो मैंने इसमें रखी थी, अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। तो इस बॉक्स में ये ही है, और अब देखते हैं अपने दूसरे बॉक्स में क्या है, तो इसे मैं जल्दी से रख देती हूँ। सो फ्रेंड लास्ट बॉक्स मेरा यही वाला है जो मैं जल्दी से निकाल लेती हूँ, देख लो कैसा टक गया है। और ये है मेरी यूट्यूब की डायरी, इसमें मैं जो मुझे थॉट आता है जिसकी वीडियो बनानी चाहिए तो वो इसमें मैं लिखती हूँ। और ये एक बॉक्स है, इसके अंदर मेरा सिर्फ और सिर्फ एयरिंग कलेक्शन है, उतना ज़्यादा नहीं है। फ्रेंड देखिए ये मेरा एयरिंग कलेक्शन है, किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी वो, इसे मैं कब से ढूंढ रही थी। बोरोलिन की एक बोरोलिन है 10 रुपये वाली जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, किसी दिन आपके साथ अपना एयरिंग कलेक्शन भी शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स ख़त्म यही था मेरे मेकअप कलेक्शन में, तो देख सकते हो किस तरीके से हो गया है। और ये मेरे भाई का बर्थडे कफ है, तो देख सकते हो ये है मेरा छोटा जो ब्रेक हो गया इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया है, मेरा छोटा वाला भाई है उसको बर्थडे में मिलाता है। ये तीन कॉम है, ये मेरी वुडन की कॉम है, और ये मेरा एक लोता ब्रश, और यहाँ पर क्या है, अच्छा ये रेज़र है जो उतनी खास नहीं है, और उसके पीछे मेरा दो मशीन है, हेयर कलर और स्ट्रेटनर। सो फ्रेंड इतना सा ही था मेरे पास, और इसमें आप सोच सकते हो मेरे पास ना ज़्यादा ब्लश है, ना ही ज़्यादा आई शेडो है, ना ब्यूटी ब्लेंडर इतना ज़्यादा है, ना ही ब्रश कलेक्शन है, वो एक लौता ब्रश है जो मेरे पास है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और कोई मिस्टेक हो तो माफ़ कर देना, और मेरी वीडियो के रिकॉर्डिंग अगर कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और एडवांस में हैप्पी 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 न्यू ईयर फ्रेंड्स।